दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाएंगे। इसे जानने के लिए आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए। नंबर वन, दोस्तों आप सभी लोग केले तो बहुत चाव से खाते होंगे और अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको इसके दर्जनों फायदे गिना देगा। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिस सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे कि केला एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, केले के अंदर पोटाशियम 40 होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर से रेडिएशन छोड़ता है। तो क्या हमें केले खाने बंद कर देने चाहिए? अगर आपको केले से होने वाले रेडिएशन से मरना है तो आपको 1 करोड़ केले एक बार में खाने होंगे और इसके सिम्टम्स को देखने के लिए आपको 274 केले एक दिन में पूरे 7 साल तक खाने होंगे। इसलिए दोस्तों डरिए मत, स्वस्थ रहिए और रोज केले खाते रहिए। और दोस्तों, अब ये फैक्ट सुनने के बाद आप सभी लोग ये मत सोचेगा कि हमारे वैज्ञानिकों के पास और कोई काम नहीं है, जो वो लोग प्यार मोहब्बत के पीछे ही पड़ चुके हैं। किसी पर हुई एक रिसर्च के अनुसार ये खोजा गया है कि अगर दो व्यक्ति 10 सेकंड तक आपस में किस करें तो उनके मुंह में से 8 करोड़ से भी ज़्यादा बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर दो व्यक्ति आपस में किस करते हैं तो उनके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया की लाखों बस्तियां एक दूसरे के मुंह में अपना बोरा बिस्तर उठाकर चली जाती हैं। और अब ये सब सुनने के बाद कोई लोग ये ना सोचे कि वो आज के बाद किसी को किस नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों रुकिए, ऐसा फैसला लेने से पहले आप सभी लोग ये रिपोर्ट को पूरा तो सुनिए। दोस्तों, किसिंग के दौरान ट्रांसफर होने वाले बैक्टीरिया को आप वायरस या कीटाणु ना समझिए, क्योंकि ट्रांसफर होने वाले बैक्टीरिया में से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। बस कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हमारे अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अब दोस्तों मान लीजिए कि आप थिएटर में एक हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो मूवी देखते देखते या मूवी देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी तरह जब आप एक ठंडे स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर निकलते हैं और ठंडी हवा आपके शरीर पर लगती है तो भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की दो अलग अलग घटनाओं में हमारा शरीर एक जैसा रिएक्शन कैसे दे सकता है? दरअसल दोस्तों, ये सामान्य शारीरिक घटना है जो कि हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। इसे हम गूज बम्स या गूजी बम्स कहते हैं और इसे ही हम रोंगटे खड़े होना बोलते हैं। और यही सेम इंसिडेंस जानवरों के साथ भी होता है। ठंड में जानवरों के रोंगटे खड़े होने पर उनके लंबे और घने बाल फैल जाते हैं, हवा की थोड़ी मात्रा को छुपा कर रखते हैं और इंसुलेशन हेयर का काम करते हैं। बालों का लेयर जितना ज्यादा घना होगा उतनी ज्यादा गर्माहट को रोक सकते हैं। कई कई पीढ़ियों पहले जब हमारे पूर्वजों के बहुत लंबे और घने बाल हुआ करते थे तब ये प्रक्रिया हमारे पूर्वजों को ठंड से बचाने का काम करती थी। इसी तरह डर की स्थिति में हमारे रोंगटे खड़े इसलिए हो जाते हैं कि हम बाल फैलाकर थोड़े बड़े दिखाई दे सके। लेकिन छोटे बाल होने की वजह से अब ये हमारे लिए कोई भी कारगर नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वजों को इससे शिकार करने बहुत ज्यादा मदद मिलती थी। इसी तरह जब जानवरों में जब बिल्ली डर जाती है तो वो गूज बम्स के कारण अपने फर को फुलाकर ऐसा करती है। और स्ट्रेस हार्मोन जिसे एड्रेनलिन भी कहते हैं वो सबकॉन्शियस स्टेट में रिलीज होता है और इसलिए हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। इसलिए अब जब भी आपके रोंगटे खड़े हों तो समझ जाइएगा कि आपका शरीर आपकी हेल्प कर रहा है, भले ही वो अब आपके लिए कारगर साबित ना हो। ये तो आप सभी लोगों ने काफी बार देखा होगा, जब आप पानी में ज्यादा देर तक रहते हैं तब आपके हाथों और पैरों में ऐसी सिलवटें पड़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारी स्किन में झुर्रियां पड़ गई हैं। लेकिन ऐसा थोड़े समय के लिए ही होता है जब हम पानी से बाहर आते हैं। यूके की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार देर तक पानी में रहने पर हमारी स्किन पर झुर्रियां पड़ने की वजह दरअसल हमारी शरीर की एक व्यवस्था है, इससे हमारे काम आसान हो सके। वैज्ञानिकों के अनुसार दरअसल हमारी त्वचा के अंदर एक स्वतंत्र तंत्र का तंत्र काम करता है जो देर तक त्वचा के पानी के संपर्क में रहने पर हमारी त्वचा को सिकोड़ देता है, जिससे हमारी त्वचा पर सिलवटें पड़ जाती हैं। ये जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर का जबरदस्त इंतजाम। हाथों में पड़ी सिलवटें हाथ गीले होने के बावजूद भी हाथों की पकड़ को कमजोर नहीं होने देती और पैर इन्हीं सिलवटों की वजह से भीगे होने पर फिसलन से बचे रहते हैं। यानी ये सिलवटें गीली परिस्थिति में बेहतर ग्रिप देती हैं। दोस्तों, बच्चों के जन्म लेने से पहले उनकी आंखें ब्लू कलर की होती हैं, लेकिन माता पिता के जीन्स के कारण बच्चों की आंखें बाद में ब्लैक, ब्राउन या फिर किसी दूसरे कलर की हो जाती हैं। दोस्तों, हमारा हार्ट ब्लड में इतना प्रेशर बनाता है कि वो चाहे तो हमारे ब्लड को 30 फीट की ऊंचाई तक भी फेंक सकता है।
और इसमें इतनी क्षमता है कि ये साल में 25,000 लीटर की सोप टंकियों को भी भर सकता है। तो हमारे पैरों में 5 लाख स्वेट्स ग्लैंड होती हैं। स्वेट्स ग्लैंड वो होती हैं जहाँ से पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है और यही कारण है कि ज्यादा जूता पहनने पर हमारे जूते से बदबू आती है। लेकिन महिलाओं के कई स्वेट ग्लैंड्स बंद होते हैं और यही कारण है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के जूतों में से कम बदबू आती है। और दोस्तों, ज्यादा खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए हमारे सुनने की शक्ति कम हो जाती है और एक रिपोर्ट के अनुसार हर 3 में से 2 व्यक्तियों की निगाह यानी आंखों की शक्ति कमजोर है। यानी हर 3 में से 2 व्यक्ति को चश्मा लगाने की या फिर किसी तरह का ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। दोस्तों, महिलाओं का दिल पुरुषों की तुलना में ज्यादा धड़कता है और यही कारण है कि महिलाओं के दिल का इलाज पुरुषों के दिल की तरह बिल्कुल भी नहीं किया जाता। दोस्तों, महिलाओं की सूंघने की शक्ति पुरुषों की सूंघने की शक्ति से ज्यादा तेज होती है। दोस्तों, क्या आप सभी लोग को मालूम है कि हमारे हाथ की 50% पावर हमारी इस छोटी उंगली में होती है। लेकिन अगर आपको मेरी बात पर नहीं यकीन तो आप अपनी छोटी उंगली को उठाकर किसी चीज पर जोर से पंच मार कर देखिए। दोस्तों, ठंड लगे तो सबसे पहले आप अपने सिर को ढके, क्योंकि हमारे शरीर की 80% गर्मी हमारे सिर के रास्ते से ही हमारे शरीर से बाहर जाती है। दोस्तों, आपके लेफ्ट साइड का दिमाग आपके राइट साइड के शरीर को संभालता है और राइट साइड का दिमाग आपके लेफ्ट साइड के शरीर को संभालता है। दोस्तों, जो लोग लेफ्ट हैंड से लगभग सारा काम करते हैं वो लोग 9 साल कम जीते हैं राइट हैंड पीपल, यानी जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक